नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लेविक्स एएस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, क्लेविक्स एएस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और क्लेविक्स एएस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। क्लेविक्स एएस टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। क्लेविक्स एएस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल होता है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल दोनों ही दवाइयां एंटीप्लेटलेट ड्रग क्लास की दवा है, जो खून को पतला करती है और शरीर की नसों में खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करती है। क्लेविक्स एएस टैबलेट खून को पतला रखती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा और लकवा लगने का जोखिम कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा या लकवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों में आगे दिल के दौरे या लकवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्टर क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लेविक्स एएस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्लेविक्स एएस टैबलेट खून को पतला करती है, जिसकी वजह से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप क्लेविक्स एएस टैबलेट को ले रहे हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्लेविक्स एएस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में क्लेविक्स एएस टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, नाक से खून आना, दस्त, बदहजमी, सीने में जलन, शरीर में थकान, पेट में दर्द और सिर दर्द हो सकता है। क्लेविक्स एएस टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है। अगर आपको क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अल्सर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफीलिया होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना क्लेविक्स एएस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी करने से या दांत निकालने से एक से लेकर दो सप्ताह पहले क्लेविक्स एएस टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है, तो आपको क्लेविक्स एएस टैबलेट के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को क्लेविक्स एएस टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्लेविक्स एएस टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लेविक्स एएस टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। क्लेविक्स एएस टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में क्लेविक्स एएस 75 टैबलेट या क्लेविक्स एएस 150 टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। क्लेविक्स एएस टैबलेट को हर रोज एक टाइम पर लेना रिकमेंडेड होता है। मान लीजिए आज आपने क्लेविक्स एएस टैबलेट को सुबह 7 बजे लिया है, तो आपको हर रोज क्लेविक्स एएस टैबलेट को सुबह 7 बजे ही लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं क्लेविक्स एएस टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्लेविक्स एएस टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब क्लेविक्स एएस टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए
प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लेविक्स एएस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका क्लेविक्स एएस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।